गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, XSBIPO, आज आपके लिए FCI के रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। काफ़ी समय से काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मुझे कुछ ऑथेंटिक, कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिलता तब तक आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हैं, तो ये सेशन में लेकर आया हूँ। क्या क्या बातें करेंगे? दो तीन चीज़ें जो बार बार मुझे देखने को मिल रही है। अब आपको पता है आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो फाइनल लिस्ट में, उनका भी आया है, बहुत बड़ी वेट लिस्ट भी निकली है, तो सिमिलरली डाउट्स भी काफ़ी सारे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड ड्यू डेट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड रहते हैं, वेट लिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है वेट लिस्ट की, कब तक आ सकती है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी क्वेरी जो बार बार आ रही है कि अभी आपको पता है काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट क्लियर हो रहे हैं, काफ़ी सारी ज्वाइनिंग्स मिल रही है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जिनको दो दो तीन तीन, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बेस्ट कौन सा है। तो इसका भी कंपेरिजन हल्का फुल्का, डिटेल में तो नहीं पर ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगा कंपैरिजन का, जिससे आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक मिनट रुकिए, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कई एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि उन्होंने FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 क्लियर कर दिया है, ESIC UDC क्लियर कर दिया है, अब इसके साथ साथ उन्होंने SBI क्लर्क भी क्लियर कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, या तो तीनों क्लियर कर रखे हैं, दो क्लियर करके, दो दो के कॉम्बिनेशंस में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके डाउट है कि सर इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट किया जाए। अब SBI क्लर्क की तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अगर आपको पता हो तो 13 जनवरी को सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनको ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग में है, जिनको ब्रांच अलॉट हुई है वो ब्रांच में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ से छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़ेंगे, मत चिंता कीजिए, काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़ेंगे और अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जैसे उसमें SBI क्लर्क में भी फर्दर आपके RRBPO में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, तो LIC वाले भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो बच्चों के बेसिकली इन तीन में ज़्यादा डाउट रहती है कि सर कौन सा शेयर किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, इन तीनों में से SBI क्लर्क को तो यहीं से निकाल दीजिए, SBI क्लर्क का कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों से, फाइनेंशियली अगर आप देखें तो भी। फाइनेंशियली जो सबसे बड़ा आपका क्राइटेरिया सबसे पहले होना चाहिए, अगर किसी दो जॉब की आप कंपैरिजन कर रहे हैं और फाइनेंशियली उनमें डिफरेंस 10-1 हज़ार का आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर एलिमिनेट हो जाता है, उसके आगे डिस्कस करना लॉजिकल ही नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल सेंस में। ठीक है, तो SBI क्लर्क तो यहीं पर बार हो गया। अब सर FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 और ESIC UDC में से दोनों फाइनेंशियली बेटर कौन सा है? FCI इज़ मच बेटर देन ESIC UDC, ऑल्दो ESIC UDC अर्न्स मोर देन SBI क्लर्क, SBI क्लरिकल कैडर कैंडिडेट, पर ESIC UDC से भी ज़्यादा जो FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 पे जो पोस्ट होता है उसको उससे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं और सब्सटेंशियल ज़्यादा मिलते हैं, 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो यहीं पर वो आगे हो जाता है ESIC UDC पे। तो अगर आप इन दोनों में से सेलेक्ट कर रहे हैं और फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप बिल्कुल FCI का पोस्ट ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल एज ए असिस्टेंट ग्रेड 3 पे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने बोला कि सर हमारा असिस्टेंट पे भी हुआ है, या फिर ऐसे हैं जिनका UDC पे हुआ है, जिनका SBI, और जिनका अभी RRBPO पर भी हुआ है। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, ये थोड़ा सा अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि ये सभी असिस्टेंट लेवल है, क्लरिकल कैडर लेवल है, और यहाँ पर आपके पास ऑफिसर लेवल है। ऑल्दो RRBPO की जो सैलरी रहती है वो काफ़ी कंपेरेबल रहती है ESIC UDC से,
थोड़ी सी ज़्यादा, ESIC UDC से ज़्यादा रहती है, और FCI जो असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले के पास रहती है। पर सिर्फ सैलरी का कंपैरिजन ही, यहाँ पर पोस्ट का कंपैरिजन, हायरार्की जो रहती है, जैसे आप ग्रेड 3 से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेड 2 पे जाएंगे, फिर ग्रेड 1 पे जाएंगे, फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप स्टार्ट ही 2 से कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया आपके लिए, FCA वालों के लिए ये एक तरह से ऑफिसर मतलब ग्रेड 2 ही हो गया एक तरह से, ग्रेड 2 भी नहीं मैं बोलूँ, ग्रेड 1 हो गया, सॉरी ग्रेड 1 हो गया एक तरह से। तो आप एक तरह से एक पोस्ट आगे से शुरुआत कर रहे हैं, एक या दो पोस्ट आगे से शुरुआत कर रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है आगे लाइफ में करियर ग्रोथ को देखते हुए। तो अगर आप RRBPO में सिलेक्टेड है तो फाइनल आप RRBPO ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक होगा हो गया, माफ़ी चाहूँगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं जिस बारे में हमें बात करनी थी, FCI के बारे में, ठीक है। FCI के बारे में सबसे पहली बात थी हमारी DV की, माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहला डाउट तो ये है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, कब तक प्रोसेस स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, सर्टेन डाउट। सबसे पहले कि मेल कब आएगा, मेल कब आएगा, सर मेल कभी भी नहीं आएगा, मेल कभी नहीं आएगा, मेल का इंतज़ार मत कीजिएगा। इसके बजाय आपको बाय पोस्ट, बाय पोस्ट ऑफर लेटर प्लस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बाय पोस्ट दी जाती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। अब इस साल से ऐसा हो जाए कि मेल से वो स्टार्ट कर दे तो मुझे नहीं पता, पर लास्ट ईयर के रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जाए तो मेल रिसीव नहीं किया था स्टूडेंट्स ने, उसके बजाय बाय पोस्ट ऑफर लेटर आया था आपका, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो भी बताए गए थे, ठीक है। अब ये तो रही मेल की बात कि बाय पोस्ट आएगा, तो ध्यान रखिएगा आपने जो भी अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे रखा है उस पर बार बार चेक करते रहिए, जो भी आपके मेल आते हैं, जो भी आपके पोस्टमैन वगैरह है उनसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रखिएगा, जो भी आपके जहाँ से आने वाला है, मिलने वाला है, उसका थोड़ा वीकली बेसिस पे या हर 2-3 दिन में चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाय पोस्ट आपके पास आएगा। अब सर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, अब यार ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड आपके रहते हैं जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है 10th के बाद के, आपके 12th के, आपके कॉलेज सर्टिफिकेट्स, फिर आपके कास्ट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, EWS, OBC, SC ST की, इसके अलावा अभी के लिए इन चीज़ों पे आप बना के रखिए, बाकी जब वो पोस्ट बाय पोस्ट आपको भेजेंगे उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखेंगे, तो इनके ओरिजिनल्स, फोटोकॉपी और ये सारे आप तैयार रखिए, क्वालिफिकेशन वाले ये रहे आपके, आधार कार्ड वगैरह ये सारे स्टैंडर्ड हैं तो इनका ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक अगर आपने नहीं बना रखा या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आपके पास समय है, ठीक है, अभी आपके पास समय है। अब तीसरा सवाल यही है कि सर कितना समय है, कब हम DV जो प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी फरवरी में आपकी DV प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, बाई सेकेंड और थर्ड वीक, बाई सेकेंड स्लैश थर्ड वीक आपकी DV की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जनरली DV की प्रोसेस अराउंड 1 मंथ तो चलती है, किसी भी, चाहे आप बैंक में देखिए, चाहे किसी भी एग्जाम्स में देखिए, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, किसी में भी देखिए, 1 मंथ की तो DV प्रोसेस आपकी चलती है, और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, काफ़ी जोन्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये DV होगा क्या, कहाँ, आपके जो भी जोनल ऑफिस है वहीं पर आपका DV कंडक्ट किया करवाया जाएगा, ठीक है, 1 महीने का। अब DV के साथ साथ मेडिकल वेडिकल सारी इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट आपको जो दी जाएगी उसमें बताया जाएगा, सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की जाएगी, तो परेशान मत होइए, अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है, कौन से, अभी के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सब रेडी रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट को रेडी रखिए, इन चीज़ों को तैयार करके रखिए, बाकी जो डिटेल्स है और क्या क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बाकी जो भी उनकी होगी वो बाय पोस्ट जो भेजेंगे उसमें सारा क्लियरली मेंशन रहेगा। बाय फरवरी सेकेंड या थर्ड वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी DV प्रोसेस के स्टार्ट होने की, ठीक है, और महीने भर तो मतलब मार्च तक का आपका DV चलेगा, क्लियर है। तो सर ये तो बात रही DV की, अब इससे भी जो बड़ा डाउट था वो था वेट लिस्ट का, क्योंकि इन्होंने निकाली है बहुत बड़ी वेट लिस्ट, अच्छी खासी बड़ी वेट लिस्ट निकाली है, तो काफ़ी स्टूडेंट की ये डाउट है कि सर ये जो वेट लिस्ट है, जो फाइनल सिलेक्शन, जो वेट लिस्ट, जो नाम आया वेट लिस्ट में, पर जो फाइनल वेट लिस्ट है, जो सिलेक्टेड जो इस वेट लिस्ट में से स्टूडेंट्स आएंगे वो कब रिलीज़ होगी, मतलब पहली वेट लिस्ट कब रिलीज़ होगी अलग से, तो
तो आप मान के चलिए पहले डीवी का प्रोसेस होगा, मेडिकल वगैरह सारी इनकी, फिर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के भी आप मानिए महीने भर बाद, ज्वाइनिंग के भी महीने भर बाद आपकी पहली वेट लिस्ट आनी चाहिए। तो अभी मार्च तक तो डीवी चलेगा, तो 2 महीने तो यहीं चले गए, 2 महीने के बाद मार्च तक डीवी चला, जाके ये अप्रैल मई तक ये ज्वाइनिंग देते हैं, उसके भी 1 महीने बाद मतलब जून जुलाई तक, जून जुलाई तक जाके आपकी, तो अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून जुलाई में, जून जुलाई तक आप अपनी पहली वेट लिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वेट लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून जुलाई के टाइम के अराउंड, फर्स्ट वेट लिस्ट आप जून जुलाई तक दे सकते हैं। और उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि 2 साल तक आपकी ये जो वेट लिस्ट है ये वैलिड रहेगी, या फिर नोटिफिकेशन आए उससे पहले, तो 2 साल तक तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस भी कम है, जनरली 2 साल का पीरियड रहेगा, तो 2 साल तक वेट लिस्ट अगर वैलिड है, इसका मतलब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग रिक्रूट में अलग अलग जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, काफ़ी ऐसे होंगे जो छोड़ के किसी और को ज्वाइन कर लेंगे, काफ़ी ऐसे होंगे जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे पहली बारी में, तो आप मान के चलिए 2 साल की वैलिडिटी है, तो काफ़ी वेट लिस्ट आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब कितनी एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, जब तक पहली वेट लिस्ट नहीं निकलती तब तक ये एग्जैक्ट डेटा बताना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून जुलाई में आपकी पहली वेट लिस्ट रिलीज़ हो जानी चाहिए, अगर कोर्स ऑफ एक्शन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा चले, मतलब नॉर्मल चले, कोई किसी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो इसमें, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो जून जुलाई तक आपकी पहली वेट लिस्ट रिलीज़ हो जानी चाहिए। तो रिलैक्स हो जाइए, तब तक आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अगर आपके बाकी अलग जॉब्स हैं, बाकी और कोई आप जॉब सिक्योर कर पाए हैं तो उसको कर लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में छोड़ दीजिएगा, अगर FCI उससे बेटर है तो उसको छोड़ दीजिएगा, चाहे SBI क्लर्क हो, RRB क्लर्क हो, आपके ESIC UDC हो, आराम से आप ज्वाइन कीजिए, जॉब कीजिए, और जब FCI की प्रोसेस हो तो आप FCI को ज्वाइन कर लीजिएगा, वेट लिस्ट जब भी रिलीज हो, अगर वेट लिस्ट में नाम है तो वेट लिस्ट में, ये तो नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आया है, ऐसा लगा है कि कुछ अच्छा, कुछ काम का आपको मैंने बता पाया हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 सभी के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट